हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको झांसी की रानी की जन्म स्थली दिखाऊंगा। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था आपने इतिहास के पन्नों में पढ़े होंगे, किताबों में पढ़े होंगे, बचपन में आप पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको उनकी जन्मभूमि दिखाऊंगा कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, किस वो जगह कौन सा था। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, मैं अब उनकी जन्म स्थान दिखाऊंगा। दोस्तों झांसी की रानी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी में हुआ था। देख सकते हैं आप उनका यहाँ पे लिखा हुआ भी है बोर्ड में। और मैं अभी चलता हूँ उनकी जो वहाँ पे स्मारक बनाया गया, उनकी जो मूर्ति बनाया गया वो आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे कि उनका जन्म हुआ था। तो ये दोस्तों ये मेन गेट है और ये जो जगह है यहाँ ये काशी में स्थित है। ये है जो 80 घाट, यहाँ जो काशी विश्वनाथ मंदिर से वही अगर आप ऑटो से आते हैं या टेम्पू से तो आपको वही 15 मिनट लगेगा, जो कि ये 80 घाट के किनारे गंगा नदी के किनारे में स्थित है। और धुप्पा के कारण ये आपको फोटो पूरा सही से नहीं आ रहा है अभी। मैं दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, यही वो जगह है जहाँ पे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था और ये गंगा नदी के किनारे में स्थित है। देख सकते हो कि ये रानी लक्ष्मीबाई हैं और उनके पीछे उनके बेटे हैं और हाथों में तलवार लिए हुए हैं और घोड़ा है। इनका 3 घोड़ा था जिसमें कि एक उनका नाम घोड़े का पवन भी था, जो कि उनका काफ़ी प्रिय घोड़ा था झांसी की रानी का। और यही वो जगह है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि आप स्मृति स्थल रानी लक्ष्मीबाई जन्म स्थली काशी गंगा की इस पावन तट पर 18 नवंबर सन 1835 को जन्म हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सन 1850 की क्रांति की इस महानायिका को 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के निकट वीर गति प्राप्त हुई। दोस्तों जब अंग्रेजों ने इनके किले पर आक्रमण कर दिया झांसी में, इनका नाम जो बचपन का था वो मनु था और झांसी की रानी जो वहाँ पे झांसी जो उनका जो वहाँ जगह था वहाँ की ये रानी थी, तो बचपन का नाम इनका मनु था। देख सकते हो यहाँ पे ये इनकी माता है और इनके पिता हैं। पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी बाई थी। माता पिता के देख रेख में गंगा के तट पर खेलती थी मनु, मतलब यहीं पे गंगा नदी के किनारे ही यहाँ पे तलवारबाजी खेलती थी, तलवारबाजी घुड़सवारी सीखी थी। यही वो जगह था, यहीं पे इसके ठीक निकट में ही है, ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। 80 घाट वो जगह है। बाजीराव पेशवा की देख रेख में मनु का पालन पोषण हुआ, तलवारबाजी करती थी मनु, अद्भुत। मनु का झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह हुआ था। दोस्तों इनका जो विवाह हुआ था, मनु का विवाह यानी कि झांसी की रानी का विवाह गंगाधर राव से हुआ था। 15 साल की आयु में हुआ था, काफ़ी कम उम्र में हुआ था इनका विवाह। और इनका एक पुत्र भी था जिनका नाम था दामोदर दास। दोस्तों ये देख सकते हो कि हाथों में तलवार और घोड़े और इनके पीठ के पीछे इनके बेटे हैं और उसके पीछे एक भाल ढाल भी है, ढाल जिससे कि दुश्मन जब वार करता था तो इसका बचाव के कारण इसका उपयोग किया जाता था, जिससे कि शरीर पर कोई नुकसान ना हो पहुँचे, ढाल जिसे कहा जाता था। दोस्तों कितनी अद्भुत थी दोस्तों। और एक छोटा सा क्षेत्र एरिया में है जो झांसी, लेकिन उसने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, अंग्रेजों के विरुद्ध उसने खड़ा हुआ। ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है गंगाधर राव का देहावसान और रानी की शोक, यानी कि झांसी की रानी के पति
रानी झांसी की रानी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गया था। उनका कुछ शरीर में बीमारी था, उसी कारण वो पहले ही उनकी शरीर को छोड़ दिए थे। और बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खत का जवाब, मंगल पांडे का विद्रोह, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1857 की क्रांति का आगाज। ये उनका बेटा है रानी लक्ष्मीबाई का, तो एक ही बेटा था, दामोदर राव। ये देख सकते इधर से देख सकते, फोटो काफी अच्छा आ रहा है दोस्तों। ये काफी इनसे सीखने का चीज है, इनके सिर्फ हम लोग नंबर पाने के लिए बस पढ़ते हैं कि मुझे नंबर मिल जाए, और सीखने के लिए हम लोग नहीं पढ़ते दोस्तों। कितने लोग जो कि किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन हमने सोचे भी नहीं थे कि हम यहाँ तक आ पाएंगे। लेकिन दोस्त आज मुझे ये इस भूमि को, इस मिट्टी को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दोस्तों। और इनसे सीखना चाहिए हमारे बहन बेटियों को कि हमें डरना नहीं चाहिए। आज के जो है लड़कियों लोग छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता है। लेकिन दोस्तों कितनी ये साहसी थी, सोच सकते हो कि एक महिला अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई और अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए इसने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। और तो और दोस्तों कि इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की और अपने शरीर पर किसी भी पराया पुरुष का स्पर्श नहीं करने दिया। मौत को प्राप्त कर लिया, लेकिन दोस्तों किसी गुलामी स्वीकार नहीं की। इसने इनका घोड़ा सहित किले से कुदा दिया था घोड़ा को, और काफ़ी दूर चलती गई और बाद में इनको अंग्रेजों ने घेर लिया, लेकिन इसको अंग्रेजों ने मार नहीं पाया। इसको अंग्रेजों ने मारा नहीं था दोस्तों, इन्होंने स्वयं अपनी प्राण निछावर की। देश के लिए मुझे गर्व है, देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बलिदान दी दोस्तों। मुझे गर्व है कि मुझे इस जगह पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दोस्तों आज मैं अभी एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो, आप किताबों में इस कविता को पढ़े होंगे कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, मुरकुटी भिरुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में हट ठानी थी। इतना अद्भुत लिखा गया है, या पूरा पढ़ लीजिएगा। काशी की कन्या और झांसी की रानी। तो दोस्तों अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पे आइएगा। ये काशी में पड़ता है, जो कि ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और यहीं पे 80 घाट है। यहाँ पे गंगा नदी, वो 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से, जो कि यहीं नदी के, गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ज़रूर आइएगा। कितने दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।